नन्हे खरगोश का उपाय। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। उसकी सेवा के लिए एक मक्कार लोमड़ी रहा करती थी, जो हर रोज जंगल में घूमकर शिकार का पता लगाकर शेर को देती थी और कहां शिकार मिलेगा वो शेर को बताती थी। और जब भी वो शिकार के लिए निकलती थी तो कोई भी छोटे जानवर का पीछा करके उसका शिकार करने की कोशिश करती थी। अगर शिकार करने में नाकाम हो जाती तो वो शेर को आवाज देकर उसे वहाँ बुला लेती। शेर वहाँ चुपचाप आता और लोमड़ी के बताए शिकार को मारकर उसका अच्छा ताजा मांस खा लेता और बचा कुचा लोमड़ी को दे देता। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और अकेले फिरने के लिए हमेशा डरते थे। एक दिन वो सब एक जगह जमा हुए और अपने आप को उस मक्कार लोमड़ी से बचाने का तरीका सोचने लगे। तब अचानक एक नन्हा सा खरगोश कहने लगा, मैं आप सबको इस समस्या का इलाज बताऊंगा। सब जानवर सोचने लगे कि जिस बात का जवाब बड़े से बड़े जानवर के पास भी नहीं था, ये इतना सा छोटा सा खरगोश क्या उपाय देगा। वो सब इतने मजबूर थे कि उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन खरगोश लोमड़ी से मिला और लोमड़ी से कहने लगा, दोस्त मुझे एक तालाब के बारे में पता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ रहा करती हैं। वो तुम्हें और तुम्हारे शेर दोस्त को आसानी से बिना शिकार करे मिल जाएगी और वो इतनी सारी है कि जब चाहे तब खा सकते हो और वो सब कभी खत्म नहीं होगी। इतनी मेहनत से तुम सारा जंगल ढूंढ कर भाग दौड़ करके शिकार करते हो, उसकी भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मक्का लोमड़ी कहने लगी, तुम इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो रहे हो मेरे साथ? तुम तो मांस नहीं खाते, फिर इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? तब खरगोश ने कहा, आप जैसे अच्छे दोस्त अगर मिल जाए तो हम शाकाहारी जानवर फल पत्ते खाकर आराम से रह सकते हैं और अभी आप आराम से मांस खा सकते हो, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। वो बहुत नरमी से उससे कहने लगा, अगर वहाँ अच्छे और बड़े मछलियाँ नहीं मिले तो देखना, पहले मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। खरगोश ने जवाब दिया, ठीक है दोस्त, अगर तुम्हें वहाँ मछलियाँ नहीं मिलेगी तो तुम मुझे खा सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लोमड़ी तुरंत शेर के पास गई और उससे सब कुछ सुनाने लगी। तब शेर ने जवाब दिया, हाँ ये सच बात है, हम इतने सालों से जानवरों का मांस खाते आ रहे हैं, अब शायद बदलने के लिए मछली का मांस खाकर देखते हैं। मैंने सुना है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वो दोनों तालाब पर आ गए। तालाब में मछलियाँ तो नहीं थी पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। लोमड़ी मछली ढूंढने के लिए जैसे ही पानी में उतरी, एक बड़ा सा मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिया। तुरंत वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, शायद लोमड़ी को बहुत बड़ी मछली मिली होगी इसलिए तो वो इतना जोर से चिल्ला रही है। उसकी चीख सुनकर शेर कहने लगा, बिना वक्त गवाए वो भी उस तालाब में कूद पड़ा। जैसे ही उस तालाब में कूदा, चारों तरफ से मगरमच्छों ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। जो काम इतने बड़े जानवर भी नहीं कर सके वो इस छोटे से खरगोश ने कर दिखाया। तब सब लोगों ने उस नन्हे से खरगोश को शाबाशी दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अकल लगाने से बड़ी सी बड़ी समस्या का हल मिल सकता है। गाय और बछड़े की कहानी। एक गांव में गोपी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास एक गाय और एक छोटा सा खेत था। वो जमीन पे खेती करता था और गाय की अच्छी देखभाल भी करता था। कुछ दिन बाद उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। खेती से और दूध बेचने से वो आमदनी जो भी मिलती थी उसे वो उस पैसों को बचाता था। कुछ दिन बाद वो थोड़ा अमीर हो गया। उसके अच्छे दिन देखकर उसका पड़ोसी कनकैया उससे बहुत जलता था। उसे लगता था कि गोपी की गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, इसीलिए वो उसे चुराना चाहता था। एक रात जब गोपी बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तब कनकैया वहाँ धीरे से आया और गाय को चुरा कर ले गया। सुबह जब गोपी उठा तो उसने देखा कि गाय तो नहीं थी पर उसका बछड़ा वहाँ रो रहा था।
उस दिन वो सारा गांव उसे ढूंढ रहा था, पर उसका कोई पता नहीं चला। वो बहुत सोचने लगा कि कहीं वो गुम गई है या कोई उसे चुरा कर ले गया। बछड़ा भी बहुत उदास रहा करता था। दो दिन बाद गोपी को एक उपाय सूझा। उसने गांव में तुरंत ऐलान करवा दिया कि उसके गाय के गुम होने की वजह से उसके बछड़ा बीमार हो गया है। जो भी उस गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे गाय के साथ बछड़ा भी दे देगा। बछड़े के बिना गाय भी दूध नहीं दे रही थी। ये देखकर कनकैया लालची हो गया। उसे लग रहा था कि अब दूध के साथ साथ एक बछड़ा भी मिल जाएगा। वो तुरंत गाय को लेकर गोपी के पास आया और कहने लगा, मैंने बहुत ढूंढा तब ये गाय मिली है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास इसे ले आया हूँ। अब मुझे बछड़ा दे दो, मैं इन दोनों को ले जाऊंगा। जैसे ही गाय ने अपने बछड़े को देखा वो कनकैया को जोर से लात मारकर अपने बछड़े के पास चली गई। गाय बहुत प्यार से अपने बच्चे के पास गई और उसे दूध पिलाने लगी। गाय की लात पड़ने से कनकैया की हड्डी फसली एक हो गई। वो तुरंत वहाँ से दम दबाकर भाग गया। गोपी को उसकी गाय और बछड़े को उसकी दोनों ही मिल गई थी। वो दोनों बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के किनारे एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। बंदर और नदी के मगरमच्छ दोस्त हुए। मगरमच्छ का घर उधर से बहुत दूर होने पर वह रोज सुबह ही निकलकर बंदर के पास आता था। उसके दोस्त आते ही पेड़ के आमों को तोड़कर उसकी तरफ फेंकता। ऐसे पूरा दिन मीठे आम खाते हुए पेड़ से बंदर और नदी से मगरमच्छ गपशप करते। फिर शाम को वापस आते वक्त बंदर के दिए हुए आमों को मगरमच्छ घर ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी भी उन आमों को मजे से खाती थी। उसके खाने तक मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर का बहुत तारीफ करता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती देख जंगल के सारे जानवर चौंक जाते। उस आम के पेड़ पर कभी कभी एक कौवा आकर बोल जाता कि उस मगरमच्छ पर वह भरोसा ना करे। दोस्त, मगरमच्छ मांस खाता है, अगर कभी तुम उसके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हें भी मार के खा लेगा। लेकिन बंदर को मगरमच्छ पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ी। ऐसे आगे चलकर मगरमच्छ की पत्नी में दुर्विचार आया। उसने कहा, बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है, ऊपर से वह रोज उन आमों को खाता होगा तो उसका दिल और ज्यादा मीठा होगा। तुम उस बंदर को मारने पर हम दोनों उसके दिल को बांट कर खाएंगे। यह सुनकर मगरमच्छ आग बबूला होकर गुस्से से पूछा, बंदर मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छी बातें करता है, मैं भला दोस्त को कैसे मारूं? इससे मगरमच्छ की पत्नी मुंह मोड़कर पति से रूठकर बातें भी बंद कर दिया। खाना पीना भी छोड़कर पति का सुख चैन छीन लिया। आखिर में पत्नी की जिद बर्दाश्त ना कर पाते हुए उसकी जिद मान गया। ठीक है, आज शाम को बंदर ले आऊंगा, तुम्हारा जो मर्जी करो, बोलकर बंदर के पास चल पड़ा। बंदर को ले जाने के लिए रास्ते में उसे एक चाल सूझी। पेड़ के पास आई हुई मगरमच्छ को देख बंदर हमेशा की तरह खुशी से मिला। बंदर दोस्त, हमारी दोस्ती के बारे में मैंने अपनी पत्नी से कहा, वह बहुत खुश हुई, तुम्हें आज दावत का निमंत्रण दिया। यह सुनते ही बंदर उछल पड़ा। पहला तो वह पेड़ पे अकेले रहने पर परिवार दावत बोलने से तुरंत मान गया। पर मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता ना, फिर जाना कैसे दोस्त? मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें कोई डर नहीं, तुम अच्छे से मेरे पीठ पर बैठो, मैं ध्यान से ले जाकर ले आऊंगा।
बंदर बहुत ही उत्सुकता से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ पानी में तैरते हुए बंदर को अपने घर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद बंदर ने देखा कि मगरमच्छ परेशान था। खुशी से दावत की न्योता देखकर अब उदास क्यों हो दोस्त, बोलकर पूछा। कैसे भी आधा पहुंच गए, ऊपर से नदी के बीचों बीच है, अब सच बोल ही देता हूँ। सोचकर मगरमच्छ, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाने तक पानी भी नहीं पीऊंगी करके जिद पर बैठ गई। अब ना कुछ कर पाते हुए तुम्हें झूठ बोलकर ले जा रहा हूँ। ये बात सुनकर बंदर के होश उड़ गए। सबकी ना सुनते हुए इस मगरमच्छ पर भरोसा करने पर खुद को कोसने लगा। लेकिन बंदर बहुत चतुर था, वह बचने के लिए जल्दी सोचने लगा। तुरंत जोर से हंसकर बोला, बस इसके लिए उदास थे? पहले बोलती तो मैं खुद मेरा दिल लाकर देता ना, लेकिन अब तो वो मेरे पास नहीं है, पेड़ के पास ही संभाल कर रखा है। फिर से वापस ले जाओगे तो पेड़ के डाल से मेरा दिल लाकर तुम्हें दूंगा, तब तुम और तुम्हारी पत्नी खुशी से खा सकोगे। मगरमच्छ बंदर के बातों में आकर बिना दिल के बंदर को ले जाने से उसकी पत्नी चार लगा देगी, करके वापस बंदर को पेड़ के पास ले गया। बंदर ने एक छलांग से मगरमच्छ की पीठ से पेड़ छेड़कर सांस छोड़ी। पेड़ के डाल पर बैठकर बंदर ने गुस्से से कहा, दिल ने कुछ नहीं, दोस्त की जान लेने वालों से मुझे कोई मतलब नहीं। इस कहानी की सीख है कि बुरों के साथ दोस्ती भी बुरा ही होता है।